नमस्कार, मैं हूं दीपेश कर्ण और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव टीवी शिव दर्शन में। दोस्तों, कोविड 19 जो कि एक ऐसी महामारी है जो कि पूरे विश्व को अपने चपेट में ले चुकी है और इसमें भारत भी पूरी तरह से घिरता जा रहा है। और आप पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में पूरी सावधानियाँ बरत रहे हैं और सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पूरे तत्परता के साथ उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मजदूर, कुछ ऐसे प्रवासी श्रमिक जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हैं वे अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं और सरकार अपनी तरफ से पूरी पहल कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि मजदूरों को किसी न किसी माध्यम से घर तक पहुंचाया जाए। और सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेनें चला रही है, कहीं कहीं बसें भी चला रही है। और आज हम जिस जगह पर हैं वो है जसीडीह स्टेशन, जो कि कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पे ट्रेन पास करेगी और यहाँ से बहुत सारे श्रमिक जो कि काफ़ी लंबे वक्त से अपने घर आने के लिए बेताब थे और काफ़ी आशा लगाई थी कि कब हम अपने घर पहुँचेंगे और आज वो यहाँ पर घर आने वाले हैं और हम उनका पूरी सजगता से, पूरे तत्परता के साथ उनका हम स्वागत करेंगे। और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और जो ट्रेन यहाँ पे पहुँचने वाली है वो आप ही गुजरात से आने वाली है, जहाँ से मजदूर यानी साउथ इंडिया से श्रमिक मजदूर यहाँ पर आने वाले हैं। और सभी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी के जितने सारे जो सहयोगी कर्मी हैं, सहयोगी लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जैसे वो यहाँ पर पहुँचते हैं सभी उनका स्वागत करेंगे और पूरे सावधानी के साथ, पूरे स्कैनिंग के साथ उन्हें पेयजल दी जाएगी, उन्हें एक एक पैकेट दिया जाएगा और उन्हें फिर बसों के द्वारा होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। वापी गुजरात से ट्रेन आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेम कुमार अग्रवाल और राज अग्रवाल सोनी देवी के सौजन्य से यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था और साथ ही साथ पैकेट की व्यवस्था की गई, जिसमें बहुत सारे श्रमिक बारी बारी से एक पैकेट और एक पेयजल ले रहे हैं और काफ़ी अच्छे से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि बारी बारी से प्रत्येक मजदूर लेते जा रहे हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों से ये मजदूर फंसे हुए थे और आज ये झारखंड के जसीडीह स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। वापी स्टेशन से ये प्रस्थान किए हुए थे और आज ये पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से हुए कुछ श्रमिक ग्रीडी भी जाएंगे, बस की व्यवस्था की हुई है और धीरे धीरे ये बारी बारी से हुए, जैसे प्रशासन का दिशा निर्देश इन्हें दिया गया है उसी दिशा निर्देश के द्वारा इन्हें बसों में बैठाया जा रहा है और बसों से ये अपने अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। अगर गंभीर परिस्थिति किसी श्रमिक में पाई जाती है तो उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और आप ये देख पाएंगे कि भारत सरकार की बहुत अच्छी कोशिश, साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की जो एक तालमेल है, एक बहुत अच्छी कोशिश जो कि मजदूरों की बहुत बड़ी राहत साबित हो रही है। और प्रेम कुमार अग्रवाल और राज अग्रवाल सोनी देवी के सुनिश्चित सारी सुविधाएँ, करीब 2000 यहाँ पे पैकेट यहाँ व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ 2000 मिनरल वाटर यहाँ पे है प्रदान की गई, ताकि सभी जो मजदूर जो है बारी बारी से एक एक करके लेते जाएं।